हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग मेटलर्जी मेटलर्जी में हम बात कर चुके थे अबाउट इलिंगम डायग्राम मतलब चॉइसेस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड उसके लिए चलिए अब बात करते हैं हम स्मेल्टिंग प्रोसेस की तो लिखो स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग कहाँ काम आएगा ध्यान दो uh, मेटलर्जी के चार मेन स्टेप्स थे जिसमें मेटल ऑप्टिन होती है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ओर पल्वराइजेशन मैं रिविजन करा रहा हूँ फिर वापस आपका पल्वराइजेशन दैट मींस क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इन द पाउडर फॉर्म दूसरा मेन प्रोसेस था कंसनट्रेशन ऑफ द ओर पढ़ लिया आपने वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लीचिंग एंड ऑल दैट तीसरा प्रोसेस था एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर उसके भी दो पार्ट थे कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू ऑक्साइड दैट इज डन विद हेल्प ऑफ द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग वो भी पढ़ लिया हमने और फिर नेक्स्ट पार्ट था कि मेटल ऑक्साइड मिल गया अब हमें अब हमें मेटल ऑप्टेन करनी है इससे तो कैसे ऑप्टेन करें स्मेल्टिंग से ऑप्टेन करें सो दिस इज स्मेल्टिंग इन्वॉल्व हाई टेम्परेचर प्रोसेस सो इट इज द पार्ट ऑफ पायरो मेटलर्जी तो पायरो मेटलर्जी का पार्ट होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस तो वॉट इज स्मेल्टिंग इट इज द कन्वर्जन ऑफ It is the conversion of calcined roasted ore into metal uh, with suitable reducing agent, suitable reducing agent uh, and flux. at high temperature in current of hot air देखो क्या बात कर रहे हैं स्मेल्टिंग इज द इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस भी लिखो process of conversion of uh, calcined or roasted ore into the metal with suitable reducing agent and flux ek naya shabd aa gaya aapke samne flux karenge ab isko define flux at high temperature in current of hot air to तो current of hot air is called hot air blast hot air blast क्यों uh, flux uh, क्यों चाहिए ऑल दैट वी विल टॉक चलिए यहीं पे बात करते हैं पहले फ्लक्स के बारे में So flux uh, and intentionally added, added acidic or basic oxide, acidic or basic oxide into ore and reducing agent. For removing impurities in the form of in the form of fusible slag, fusible slag. अब एक नया शब्द और आ गया, slag क्या होता है? चलो वो भी बात करेंगे। तो देखो हम कह रहे हैं कि स्मेल्टिंग प्रोसेस का मतलब वो जो मेटल ऑक्साइड ऑप्टेन हुआ था ना उससे मेटल ऑप्टेन करना तो ऑब्वियसली रिडक्शन कराएंगे तो विद द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हॉट एयर ब्लास्ट यूज करते हैं और उसकी मदद से जो मेटल मिलती है वो स्मेल्टिंग प्रोसेस की मदद से मिलती है उसमें एक हमने केमिकल मिलाया एक सब्सटेंस मिलाया जिसे हमने कहा फ्लक्स तो वॉट इज फ्लक्स इंटेंशनली एडेड एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड इन टू द ओवर एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजिबल स्लैग ड्यूरिंग स्मेल्टिंग प्रोसेस फ्लक्स भी दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंप्योरिटी अगर इंप्योरिटी एसिडिक ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली बेसिक टाइप का ऑक्साइड यूज किया जाएगा तो लिखो टाइप्स ऑफ फ्लक्स टाइप्स ऑफ फ्लक्स में ए एसिडिक फ्लक्स और नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये कंपाउंड एसिडिक फ्लक्स है तो इसका मतलब एसिडिक ऑक्साइड है एन एसिडिक ऑक्साइड जैसे फॉर एग्जांपल, बी टू ओ थ्री पी फोर ओ टेन सिलिका, ये सब एसिडिक ऑक्साइड तो हैं एसिडिक ऑक्साइड विच रिमूव्स रिमूव्स बेसिक इंप्योरिटीज तो बेसिक इंप्योरिटीज लाइक एफ लाइक मान लो और CaO एटसेट्रा तो इस तरह की इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए आप जो एसिडिक फ्लक्स यूज करते हो तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक फ्लक्स जैसे मान लो एग्जांपल एफ इंप्योरिटी है इसको रिमूव करना है ये एक बहुत ही कॉमन इंप्योरिटी है इन कॉपर uh, की मेटलर्जी में आयरन ऑक्साइड इज ए चैलेंजिंग इंप्योरिटी कौन से कॉपर में कॉपर पाइराइट्स इन कॉपर पायराइट CUFES2 एस टू सीओ एफ एस टू से जब हम कॉपर ऑप्टेन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आयरन की इंप्योरिटी साफ दिखाई पड़ रही है ये, और जब इसकी रोस्टिंग करते हैं तो एफ ईओ बनता है वो रिमूव करना है तो दैट इज रिमूवल ऑब्वियसली एफ ईओ एक बेसिक ऑक्साइड है तो इसको रिमूव करने के लिए एसिडिक फ्लक्स इस्तेमाल होगा एंड इट फॉर्म एफ आईओ थ्री तो इस तरीके से सो दिस इज फ्यूजिबल स्लैग ये एक फ्यूजिबल स्लैग स्लैग है जो कि मेटल के ऊपर तैरता रहता है इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे तो ये स्लैग जो है ये मिक्स नहीं होता मेटल में और ये अलग लेयर में रहता है इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है तो इंप्यूरिटी आर रिमूव्ड आउट तो यह वैसे फ्लक्स नाउ बेसिक फ्लक्स आप तो आप समझ गए होंगे बेसिक फ्लेक्स मतलब कौन सा ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड अब बेसिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स लाइक सी एमजीओ एफ ई टू ओ थ्री एटसेट्रा विच इज यूज टू रिमूव कौन से टाइप की इंप्योरिटीज एसिडिक इंप्योरिटीज तो विच इज़ यूज टू रिमूव एसिडिक इंप्योरिटीज तो एसिडिक इंप्योरिटीज रिमूव करने में काम आता है एसिडिक इंप्योरिटीज जैसे कौन जैसे सिलिका को रिमूव करना है जैसे पी फोर ओ टेन को रिमूव करना है इस टाइप के एग्जाम्पल्स तो इस तरह की इंप्योरिटीज को अगर रिमूव करना हो हमें तो वी यूज बेसिक फ्लक्स लाइक सी ए जैसे एग्जाम्पल ही लो फॉर एग्जाम्पल पी फोर ओ टेन कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं सो दिस इज इंप्योरिटी आयरन की मेटलर्जी में कॉमनली ऑब्जर्व होता है एंड दिस इज फ्लैक्स बेसिक तो हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर तो है ही जहां पर यह रिएक्शन चल रही है इस्मेल्टिंग के दौरान स्मेल्टिंग इज द पार्ट ऑफ पायरो मेटलर्जी सो इट फॉर्म सी ए थ्री PO4, twice. So this is fusible slag. Fusible मतलब जो आसानी से melt हो गया हो जाए कम temperature पर melt हो जाए melting point जैसा कम हो तो fusible slag is formed और ये floats over the liquid metal. It is also called thoma, Thomas फ्लैग Thomas slag, flag नहीं अरे कई बार बोलते हुए भी सोचते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं और कई बार हम गलत भी लिख देते हैं देखो मैं भी एक इंसान हूं ह्यूमन हूं एंड टू इज द ह्यूमन ये कहावत है अंग्रेजी की टू इज द ह्यूमन तो अभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बोला कैल्शियम फॉस्फेट और फॉर्मूले में यहां टू लिखना रह गया मान लो तो बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कमेंट करिए क्योंकि करेक्शन करना है तो ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं उनको पिन कर देता हूं ऐसे कमेंट को तो वो सबसे ऊपर दिखता है तो कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि सर ने बोला कुछ और है लिखा कुछ और है तो फिर ऐसे में आप कमेंट देख लिया करो पहला वाला मोस्टली किसी बच्चे ने बता दिया होगा नहीं बताया होगा तो आप लिख दो कमेंट तो मैं उसे पिन करके लिख दूंगा तो वो पहले ही कमेंट आपका वो दिखेगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वैसे कोशिश करनी चाहिए हमें भी कि कम से कम मिस्टेक हो फ्रॉम द टीचर साइड ऑल्सो बट फिर भी हो जाती हैं स्टिल ह्यूमन बींग वी आर नॉट रॉबोट्स वी आर नॉट कंप्यूटर्स कंप्यूटर में भी आर रह जाती है खैर तो दिस इज इम्प्योरिटी दिस इज फ्लैग्स दिस इज कॉल्ड थॉमस स्लैग स्लैग भी कोई वेस्ट थोड़ी है इस दुनिया में कुछ वेस्ट थोड़ी है हर चीज का कुछ ना कुछ उपयोग है तो ये थॉमस स्लैग जो है वो रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कॉमनली काम आता है तो यूज इन रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थॉमस स्लैग कैल्शियम फॉस्फेट याद भी रखें दिस इज इंपॉर्टेंट थॉमस स्लैग का फॉर्मूला पूछते हैं कई बार क्वेश्चन में तो यू शुड रिमेंबर तो दिस इज कॉमनली यूज इन रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो ये था स्लैग तो स्लैग में एक और आया था स्लैग के अलावा क्या स्लैग नहीं फ्लक्स के अलावा स्लैग स्लैग क्या है ये एक फ्यूजिबल मास है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है और फ्लक्स जब रिएक्ट करता है इंप्यूरिटीज से फ्यूजिबल इमिसिबल मास ऑप्टेन्ड वेन फ्लक्स रिएक्ट्स विद इंप्यूरिटी तो इंप्योरिटीज के साथ जब फ्लक्स रिएक्ट करता है तो फ्यूजिबल मास ऑप्टेन होता है जिसे हम स्लैग बोलते हैं अच्छा ये स्लैग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्लैग इज इमिसिबल विद मेटल मेटल के साथ मिक्स नहीं होता लिक्विड मेटल मेटलर्जी कर रहे हैं तो मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलेगी तो स्लैग इज इमिसिबल विद मेटल एंड ऑल्सो हैज लेसर डेंसिटी लिक्विड मेटल the तो एक तरीके से जो स्लैग होता है मिसिबल है यह वर्ड इंपॉर्टेंट है और आ, फ्यूजिबल है मेल्टिंग प्वाइंट कम होता है इसका आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लेसर डेंसिटी है टू द लिक्विड मेटल सो इट फ्लोट ओवर लिक्विड मेटल एंड प्रोटेक्ट्स द मेटल एंड प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम रिऑक्सीडेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अरे मेटल ऑक्साइड को इधर रिड्यूस करके हमने मेटल में ऑप्टेन करा और वो मेटल वापस से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हॉट एयर ब्लास्ट यूज़ करते हैं उसके साथ में अगर रिएक्शन करके वापस से मेटल ऑक्साइड बनाए तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा गुड़ गोबर से होना समझते हो है हिंदी हिंदी हि, अब, 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 यूपी बिहार राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तो जो चार स्टेट जो हैं वहाँ हिंदी मीडियम खूब चलता है हिंदी मीडियम की क्लासेस भी चलती हैं सी भी चलता है इंग्लिश मीडियम भी चलता है तो यहाँ के तो स्टूडेंट्स और भी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हिंदी तो पढ़ते ही हैं एज ए सब्जेक्ट तो वहां पर मुहावरे सिखाए जाते हैं गुड़ गोबर हो जाना गुड़ मतलब बहुत अच्छी चीज मीठा एकदम गोबर मतलब गोबर हो जाना मतलब सारे करे किराए पर पानी फिर जाना दैट इज कॉल्ड गुड़ गोबर हो जाना एग्जाम में भी कई बार आप गुड़ गोबर कर देते हो गुड़ गोबर मतलब जानते बूझते सिल्ली मिस्टेक करके क्वेश्चंस गलत कर लेते हो और स्कोर जो रैंक आनी चाहिए पांच छह हजार जेई मेंस में वो पहुंच जाते हो दस हजार में और कोई कोई तो लाख में खेलता है और कहता भी है मैं सर लाखों में खेलता हूं मैं तो अमीर आदमी हूं आई प्ले इन लैक्स सर छोटा मोटा नहीं हूं मैं लैक्स में खेलता हूं वन लैख फोर्टी थाउजेंड वन लैख थर्टी थाउजेंड प्रणाम <laughs> वापस आओ अच्छा मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल ऑप्टन करनी थी तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो रीऑक्सीडेशन हो जाए मेटल का और मेटल ऑक्साइड बन जाए तो नहीं बनता क्यों क्योंकि वो जो <coughs> कौन स्लैग स्लैग फ्लोट्स ओवर द लिक्विड मेटल एंड प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम रीऑक्सीडेशन क्यों इसकी डेंसिटी कम होती है जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लास्ट फर्नेस लो हालांकि ब्लास्ट फर्नेस तो मैं दोबारा डिटेल में पढ़ाऊँगा उसमें कौन कौन से टेम्परेचर जोन होते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लास्ट फरनेस लो तो ब्लास्ट फर्नेस फॉर आयरन तो आयरन में ब्लास्ट फर्नेस में वो एक का पेन कौन मॉडल इस टाइप का होता है मैं बना के बता देता हूं थोड़ा सा दिस इज ओ टू हॉट एयर ब्लास्ट इज गिवन और यहां से ये एग्जॉस्ट जो वेस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से निकल जाती हैं और यहाँ से ये यह और ऊपर से पोर करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल दैट वो पूरे भरा हुआ होता है यहाँ मिल जाती है लिक्विड मेटल लिक्विड मेटल नहीं स्लैग सो दिस से स्लैग एट द टॉप और यहां नीचे वाली लेयर में मिल जाती है हमें आयरन पिग आयरन पिग आयरन मिल जाता है मोल्टन मोल्टन फॉर्म में और ये स्लैग है और यहां स्लैग बनता है क्या बनता है सी एस आई ओ थ्री पढ़ोगे आप मेटल जब आयरन की बात करेंगे तो हम ये सब हॉट एयर ब्लास्ट यहां से दे रहे हैं और ऊपर से आप ओर मिला रहे हो और के साथ साथ और मतलब है फिट टू ओ थ्री प्लस रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट एज फ्लक्स रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट कोक एंड दिस इज ओर तो ये नीचे लिक्विड आयरन मिल गया एक तरीके से पिग आयरन मेटल और उसको पर स्लैग है सी एस आई ओ थ्री लिक्विड फॉर्म में ये भी लिक्विड फॉर्म में है मोल्टन फॉर्म में और यहां से हॉट एयर ब्लास्ट दे रहा हो तो एक तरीके से जो पिग आयरन मिल रहा है इट नॉट कम डेंसिटी होने की, क्यों? की वजह से और मिक्स भी नहीं होता इमिसिबल है कौन तैर रहा है स्लैग सो so, स्लैग प्रोटेक्ट दिस मेटल फ्रॉम रिओक्सीडेशन बाई हॉट एयर ब्लास्ट समझ मेंिस इंपॉर्टेंट लिख दिया होगा यस yes. so this is an important point you should remember so these are the properties of slag so slag properties what is slag a fusible mass of lower melting point than the impurities which is uh, immiscible to the metal and lower density to the metal and floats over the liquid metal and protects the metal from uh, protects the metal from oxidation so slag it is formed when impurities are uh, reacted with uh, फ्लक्स प्रॉपर फ्लक्स यूज्ड सो लाइक दैट यू से तो ये लाइमस्टोन था यहां पर फ्लक्स है ये तो इस तरीके से आप ये कहते हो तो ये था एक तरीके से हमने बात की अबाउट स्लैक की ये हमने बात की अबाउट स्मेल्टिंग की चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं अब हमें इंडिविजल मेटलर्जीज लेनी है जैसे तीन मेटलर्जीज बड़ी फेमस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम बाकी हम जिंक के बारे में भी बात करेंगे जिंक की मेटलर्जी लेड की मेटलर्जी मैग्नीशियम की मेटलर्जी टिन की मेटलर्जी एंड फ्यू मोर मेटलर्जीज लाइक दैट वी विल टेक बट थ्री मेटलर्जीज मेजर वी विल टॉक अबाउट जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं पूछे जाते हैं एल्यूमिनियम कॉपर एंड आयरन दैट से पन्ना